Hello students, so today we are going to learn more on CSS 3 chapter 8 computer. Okay, so in this chapter we are going to cover CSS along with HTML. So what is CSS? CSS stands for Cascading Style Sheet. Make it easier to enhance the look of the different elements on a web page. Okay. So, ये एक स्टाइल शीट होती है जो इजियर बनाती है लुक को अलग अलग एलिमेंट्स की आपके वेब पेज को, और ये डिफाइन करती है स्ट्रक्चर को एंड वे ऑफ प्रेजेंटेशन फॉर द वेबसाइट. ये स्ट्रक्चर को डिफाइन करेगी और डिफरेंट वेज आपको प्रेजेंट करने के लिए कि आप चीजों को किस तरह डिफरेंटली प्रेजेंट कर सकते हो वेबसाइट के ऊपर. एंड दीज आर द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू कवर इन साइड सी एस एस: inline style, text properties, font properties, margin properties, and border properties. Inline style. So in inline style is also one of the method to use to apply CSS on the element of the web page. ये एक method होता है बच्चों जो apply करने के लिए use होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट के ऊपर के डिफरेंट एलिमेंट्स पे वेब पेज के. एंड इन दिस मेथड स्टाइल डिक्लेरेशन इज गिवन विद ईच इंडिविजुअल एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ स्टाइल एट्रीब्यूट. और इस मेथड में स्टाइल डिक्लेरेशन हम देते हैं हर इंडिविजुअल एलिमेंट को. ये किसकी मदद से देते हैं? स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से. ठीक है, स्टाइल एट्रीब्यूट के मदद से हम क्या करते हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं सीएसएस. नेक्स्ट द एग्जाम्पल ऑफ इनलाइन स्टाइल. इनलाइन स्टाइल में एक ही लाइन में आप जो भी कर रहे हो, ठीक है, उस पर्टिकुलर लाइन के लिए ही डिक्लेरेशन कर रहे हो, ठीक है, और उस पर्टिकुलर लाइन को ही डेकोरेट कर रहे हो. सो यहाँ पे देखो, पहले मैंने एच टी एम एल टैग लिया, उसके अंदर हेड. ओके, सो ये टाइटल बच्चों इसके बीच में आएगा, ठीक है, हेड के. After that in body, I just write we are using inline style here. And HR style, I just use horizontal line with width 50%. Background color, I just use green here and height 10. So ये जो मैंने यहाँ पे styling किया ना, ये सिर्फ एच आर हॉरिजोंटल रूल के लिए ही अप्लाई, ठीक है, इसके width 50% हो जाएगी, background color green हो जाएगा और height हो जाएगी 10. A simple HR tag without style rule, सिर्फ एच आर लिख, ठीक है. Then declaration has to be repeated again to apply the same effect on the HR tag. So मैंने ये lines लिखी as it is print होंगी. उसके बाद मैंने एक और HR tag लिया, उसकी width मैंने 50% ली, color लिया और height. ठीक है. And then I just close the paragraph tag and then the body tag and then HTML. So like this it will be look. आप देख सकते हो उसकी width, इसका color, height और ये इसकी statement. तो स्टेटमेंट एज इट इज प्रिंट हुई है और जो मैंने हॉरिजॉन्टल रूल यूज किया था एचआर टैग के अंदर, मैंने स्टाइलिंग टैग यूज किया था, उसकी वजह से ये ग्रीन लाइंस आ रही है. ओके, नेक्स्ट टेक्स्ट प्रॉपर्टीज. सो इन सीएसएस इट प्रोवाइड्स वेरियस फॉर्मेटिंग ऑप्शन टू स्टाइल द टेक्स्ट इन अ वेब पेज. बहुत सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शंस देते हैं स्टाइल करने के लिए टेक्स्ट को वेब पेज के ऊपर. तो सबसे पहले है टेक्स्ट अलाइन. तो अलाइनमेंट करना है, वो टेक्स्ट कहीं पे भी अलाइन करना है. सो दिस प्रॉपर्टी इज जनरली अप्लाई टू अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट. ठीक है, पूरे ब्लॉक पे आप अप्लाई कर सकते हो, हेडिंग वन, पैराग्राफ एक्सेट्रा. एंड इट इज यूज्ड टू सेट द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट. हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट जो होता है आपका टेक्स्ट का, उसको एडजस्ट करने के लिए यूज करते हैं. जैसे टेक्स्ट हाइफन अलाइन कॉलन वैल्यू, जो भी आपको वैल्यू देनी है, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई. लेफ्ट दोगे तो लेफ्ट अलाइन हो जाएगा, राइट दोगे तो राइट अलाइन, और सेंटर दोगे तो ये बिल्कुल सेंटर में आएगा. जस्टिफाइड मतलब दोनों राइट और लेफ्ट तरफ से आपका अलाइनमेंट प्रॉपर होगा. ओके, ये बुक्स में यूज होता है, जस्टिफाइड मोस्टली इज यूज इन बुक्स. नेक्स्ट इज टेक्स्ट डेकोरेशन. दिस प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द डेकोरेशन दैट कैन बी अप्लाइड टू द टेक्स्ट इन द ब्लॉक. ये स्पेसिफाई करती है डेकोरेशन को जो आप अप्लाई कर सकते हो टेक्स्ट के ऊपर. जैसे टेक्स्ट हाइफन डेकोरेशन कॉलन वैल्यू, ठीक है, अगर आपको टेक्स्ट यहाँ पे डेकोरेट करना है तो वैल्यू में आप क्या दोगे, अंडरलाइन करना है आपको अपना टेक्स्ट, ओवरलाइन करना है, या लाइन थ्रू, उसके थ्रू लाइन आपको यूज करनी है,
या ब्लैंक या नन कोई भी टेक्स्ट यूज नहीं कर रहा। सो ये प्रॉपर्टीज, ये वैल्यूज आप वैल्यू की जगह पे यूज कर सकते हो। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी हेल्प इन सेटिंग द कलर ऑफ द टेक्स्ट। कलर जो है प्रॉपर्टी आपको क्या करेगी, कलर टेक्स्ट का जो आपको कलर चाहिए, और यहाँ पे आपको टेक्स्ट कलर लिखने की जरूरत नहीं होती, इसका कीवर्ड रहेगा सिर्फ कलर। कलर उसके बाद आप वैल्यू लिखो, जैसे कलर का नाम लिख सकते हो आरजीबी कलर को, रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, आरजीबी स्टैंड फॉर रेड ग्रीन ब्लू, और 0 to 255 इसकी कलर रेंज होती है उसकी। ठीक है, तो आप यहाँ पे वो भी दे सकते हो, हेक्साडेसिमल कोड भी आप कलर का यहाँ पे यूज कर सकते हो टू स्पेसिफाई द पर्टिकुलर कलर। नेक्स्ट इज टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। अगर आपको टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है, सो इट इज यूज टू ट्रांसफॉर्म द लेटर। ठीक है, जो भी आपको लेटर ट्रांसफॉर्म करना है, जैसे आपका टेक्स्ट है अभी, वो आपको ट्रांसफॉर्म करना है, तो आप क्या यूज करोगे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। इट इज यूज टू ट्रांसफॉर्म द लेटर इन द टेक्स्ट इंटू अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। ठीक है, जैसे आपने सब कुछ लोअर केस में लिखा, अब उसे अपर केस में आपको कन्वर्ट करना है तो अपर केस यूज कर सकते हो। आपने सब कुछ अपर केस में लिखा, लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो लोअर केस लिख सकते हो। ठीक है, और कैपिटलाइज क्या करेगा, कैपिटलाइज ना आपके सेंटेंस का सिर्फ फर्स्ट लेटर जो है उसे कैपिटल बनाएगा, और अगर इनमें से आपको कोई भी यूज नहीं करना आप नन दे सकते। By default none ही होती है इसकी value text transform। Then we have text shadow। It's add shadow around the text। ये क्या करती है, आपकी shadow add करती है around the text। ये एक तरीके का effect होता है। Okay? It is a type of a effect। So we can use text hyphen shadow colon value। Then we can use h shadow v shadow। H shadow horizontal आपको shadow use करनी है, vertically shadow use करनी है तो v shadow। उसके बाद आप color यहाँ पे। ठीक है? H shadow, V shadow and color. Then we have text indent. तो ये specify करते हैं indentation of the first line of the text. ठीक है, कितनी आपको indentation रखनी है, means space रखनी है. So text indent colon value. Value आप length pixels में भी दे सकते हो. PX stand for pixels. और percentage में भी दे सकते हो. ठीक है, like 50%, 20%, जितनी भी आपको indent यहाँ पे specify करनी है, वो आप दे दोगे. नेक्स्ट वर्ड ब्रेक। सो स्पेसिफाई द लाइन ब्रेकिंग रूल। यहाँ पे लाइन ब्रेकिंग रूल यूज होता है, और यहाँ पे आप लिखोगे वर्ड हाइफन ब्रेक कॉलन देन वैल्यू देखोगे। वैल्यू में आप क्या दे सकते हो, नॉर्मल ब्रेक ऑल कीप ऑल। नॉर्मल क्या करेगा, वर्ड्स विल ब्रेक अकॉर्डिंग टू देयर यूजुअल रूल्स। जो भी उनका नॉर्मल यूजुअल रूल होगा उसके अकॉर्डिंगली वो ब्रेक होंगे। देन वी हैव ब्रेक ऑल, द लाइन्स विल ब्रेक एट एनी कैरेक्टर। किसी भी कैरेक्टर पे जो लाइंस है वो ब्रेक हो सकते हैं। देन वी हैव कीप ऑल, द लाइंस विल ब्रेक एट हाइफंस। कीप ऑन, हाइफंस माइनस का साइन होता है, उसको हाइफंस कहते हैं। ठीक है, सो आपकी लाइन हाइफंस पे ब्रेक हो जाएंगी। देन वी हैव लाइन हाइट। लाइन हाइट इट इज यूज टू स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन टू लाइंस ऑफ द टेक्स्ट। दो लाइंस के बीच में टेक्स्ट, दो लाइंस के बीच में जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसके बीच में कितनी हाइट स्पेस होनी चाहिए। ठीक है, तो उसे कहते हैं लाइन हाइट। तो स्पेसिफाई कैसे करोगे, लाइन हाइफन हाइट कॉलन वैल्यू। ठीक है, वैल्यू में क्या आएगा, नंबर आ सकता है, लेंथ आ सकती है, परसेंटेज एंड नॉर्मल भी आप रख सकते हो। जो नॉर्मल है वो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल ही रहता है। ओके, नाउ दिस इज एग्जांपल। सबसे पहले हमने एचटीएमएल यूज किया, देन हेड। हेड के अंदर हमने टाइटल स्पेसिफाई किया, टेक्स्ट प्रॉपर्टी। After that we just use style type, style type text slash css। Then हमने यहाँ पे तीन चीजें select, body, paragraph and h1। Body हमने, ये बच्चों जो हम select कर रहे हैं ना चीजें, ये पूरी जो आपकी html code है body के अंदर, उन सारी चीजों के लिए apply होगा। जैसे मैंने color लिया blue, text decoration मैंने underline, ये सारी चीजों पे apply होगा body के अंदर जितनी भी चीजें होंगी। Then we have p, paragraph, text align 30 pixels, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज एंड लाइन हाइट मैंने 1.5 रखी। ठीक है, सो इंडेंटेशन जो स्पेसिंग होगी स्टार्टिंग से वो 30 पिक्सल्स होगी। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो मैं करूंगी वो यहाँ पे मैंने कैपिटलाइज किया, मतलब हर कैपिटलाइज में मतलब सेंटेंस का जो पहला वो होगा कैरेक्टर वो कैपिटल होगा। ठीक है, एंड एच वन में मैंने टेक्स्ट लाइन सेंटर लिया है, टेक्स्ट शेडो मैंने जो लिया वो 2 pixels ली है, हाइट एंड विड्थ उसका कलर मैंने शेडो का लिया है रेड। ठीक है, मैंने फिर स्टाइल क्लोज कर दिया। फिर बॉडी के अंदर मैंने एच वन में यूज किया सक्सेस,
पैराग्राफ में मैंने स्टाइल में ब्रेक, वर्ड ब्रेक में ब्रेक ऑल यूज किया एंड मैंने एक लाइन यहाँ पे लिखी, ठीक है, पैराग्राफ के अंदर। फिर मैंने दूसरा पैराग्राफ लिया, उसके अंदर मैंने स्टाइल यूज का किया और वर्ड ब्रेक में मैंने कीप ऑल यूज किया, ठीक है। इस तरीके से आप अपना HTML डॉक्यूमेंट बना सकते हो CSS की हेल्प से। सो दिस इज द आउटपुट ऑफ दैट HTML कोड। You can see the text here, the sections which contain the shadow and whole text contain underline because we use this in the body tags. It is specified as it is and everything is underlined. You can see the title here, text properties. Okay, we just set this title and this is the output. Okay, so is tarike se aap design kar sakte HTML page with the help of CSS. After that we have font properties. So firstly we have font family, so it specifies the prioritized list of fonts to be used to display a given element or web page. So ye kya karti hai, prioritize karti hai ki hame kya list chahiye, font chahiye, use hone chahiye display karne ke liye elements ko, theek hai, web page ke upar. So hum syntax kya use kar sakte hain, font hyphen family colon value. Value mein kya aayega, family name, generic family. क्योंकि ये वैल्यू आप यूज कर सकते हो फॉन्ट फैमिली स्पेसिफाई करने के लिए. फॉन्ट हाइफन फैमिली लिखोगे उसके बाद इन दोनों में से कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हो. जेनेरिक फैमिलीज में क्या आ रहा है, कर्सिव, कॉमिक सेंस, मोनोटाइप, कॉर्सिवा, शेरिफ, टाइम्स न्यू रोमन, सेंस, एरिफ, एरियल, वर्डाना, ओके, मोनोस्पेस, लुसीडा, कॉन्सोल, फैंटेसी, इम्पैक्ट. सो दीज आर द जेनेरिक फैमिलीज, ठीक है, आप यूज कर सकते हो एज इट इज वैल्यू के अंदर. नेक्स्ट वी हैव फॉन्ट साइज. अब आपने एक फॉन्ट यूज किया, ठीक है, एक सेंटेंस यूज किया, अब उसका फॉन्ट बड़ा करना है, छोटा करना है, तो हम यूज करते हैं फॉन्ट साइज. फॉन्ट साइज इज यूज टू सेट द साइज ऑफ द टेक्स्ट. फॉन्ट हाइफन साइज कॉलन वैल्यू लिखोगी, जहां पे वैल्यू क्या होगी, एक्स एक्स लार्ज के लिए, एक्स एफ लार्ज के लिए, लार्ज लार्जर, मीडियम स्मॉल, स्मॉलर, एक्स स्मॉलर के लिए और एक्स एक्स भी उससे भी छोटे के लिए यूज होती है. देन आप लेंथ भी दे सकते हो, लेंथ आप पिक्सल्स में दोगे और परसेंटेज में आप स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है. सो दीज आर द थिंग्स यू कैन यूज टू सेट द फॉन्ट साइज, किस तरह का फॉन्ट साइज आपको चाहिए. Next topic, font style. So it displays the chosen font either in normal, italic or oblique. देख ये क्या करेगा, जो भी आपने font choose किया ना, उसको या तो normal form में या italic और oblique, ये हल्का सा tilt होता है, ठीक है, italic और oblique. ये syntax use करोगे आप font hyphen style colon value. Value में क्या आएगा आपका, normal आप दे सकते हो, अगर आपको italic चाहिए, लिटिल टिल्ट में आपको चीजें चाहिए तो आप ऑब्लिक या फिर इटैलिक दे सकते हो. देन नेक्स्ट वी हैव फॉन्ट. इट इज यूज एट शॉर्ट हैंड मेथड टू सेट ऑल अबव प्रॉपर्टीज इन सिंगल डिक्लेरेशन. शॉर्ट हैंड मेथड होते हैं बच्चों ये फॉन्ट, और ये सारी प्रॉपर्टीज को सेट करने के लिए यूज होता है एक ही डिक्लेरेशन में. आप एक बार डिक्लेयर करोगे फॉन्ट को और उसको सारी प्रॉपर्टीज में सेट कर दोगे, जैसे फॉन्ट कॉलन देन वैल्यू दे. क्या वैल्यू में क्या दे सकते हो आप, वैल्यू में आप सबसे पहले फॉन्ट स्टाइल दे दोगे, फिर फॉन्ट साइज दे दोगे, फिर फॉन्ट फैमिली दे दोगे. सो ये सिंगल डिक्लेरेशन में ही आपका काम हो जाएगा. ओके, सो आपको बार बार अलग अलग टैग्स यहाँ पे यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, नेक्स्ट वी हैव मार्जिन प्रॉपर्टीज. सो मार्जिन मतलब थोड़ी स्पेस. सो इन HTML ईच एलिमेंट हैज फोर साइड्स, राइट, सबको पता है फोर साइड्स होती है, टॉप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट. सो अगर आपको वहां से मार्जिन देनी है, स्पेस देनी है, तो आप कैसे दोगे, मार्जिन हाइफन टॉप, मार्जिन हाइफन राइट, मार्जिन हाइफन बॉटम, मार्जिन हाइफन लेफ्ट. जहां से भी आपको चाहिए आप वो यूज करोगे मार्जिन और हाइफन के बाद, ठीक है. इसका सिंटेक्स रहेगा मार्जिन हाइफन साइड, जो भी साइड चाहिए, टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट, कॉलन, वैल्यू, वैल्यू दे दोगे आप, ठीक है. तो यहाँ पे साइड रहेगी टॉप, राइट, लेफ्ट और बॉटम, और वैल्यू में लेंथ दे सकते हो पिक्सल्स में, परसेंटेज दे सकते हो 50%, 30% और ऑटो यूज कर सकते हो.
नेक्स्ट इज बॉर्डर प्रॉपर्टीज. इट हेल्प्स अस टू सेट द बॉर्डर स्टाइल विड्थ एंड बॉर्डर कलर ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट. बॉर्डर स्टाइल सेट करने के लिए यूज होता है और इससे आप विड्थ बॉर्डर कलर एचटीएमएल एलिमेंट का सेट कर सकते हो. बॉर्डर विड्थ में क्या होता है, इट कैन बी डिफाइंड बाय द वैल्यूज थिन मीडियम थिक. किस तरीके की आपको बॉर्डर की विड्थ चाहिए, थिन में पतला होता है, मीडियम में मीडियम रहेगी आपकी थिकनेस और थिक में थोड़ी मोटी हो जाएगी. ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये मीडियम ही होता है, जो अगर आप कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं तो मीडियम साइज आपका बॉर्डर का डिक्लेयर होके यूज हो रहा है. ठीक है, अब अगर आपको ये यूज करना है किस तरह यूज करोगे, बॉर्डर हाइफन विड्थ कॉलन वैल्यू दोगे. ठीक है, अब वैल्यू में क्या दोगे, थिन दे सकते हो, थिक दे सकते हो, मीडियम, न्यूमेरिक वैल्यू, जो भी आपको देनी है पिक्सल्स में आप वो दे सकते हो. ठीक है, तो दीज यू कैन यूज इन वैल्यूज पार्ट हियर. देन वी हैव बॉर्डर कलर. अगर आपको बॉर्डर्स के कलर डिफाइन करने हैं सो आप क्या यूज करोगे, बॉर्डर कलर अलाउज यू टू चेंज कलर ऑफ द बॉर्डर सराउंडिंग एंड एलिमेंट. ठीक है, बॉर्डर का कलर चेंज कर देंगे. ठीक है, अब इसमें कैसे आप बॉर्डर कलर चेंज कर सकते हो, तो बॉर्डर हाइफन कलर कॉलन वैल्यू, वैल्यू में आप कलर का नाम दे सकते हो या कलर की वैल्यू भी दे सकते हो. ठीक है, तो बॉर्डर कलर इज अ कीवर्ड और वैल्यू में आप कलर का नाम दे. Then we have border. It sets all the border properties in one declaration. सारी border properties एक ही declaration में set कर देता है border. So border colon, border width, border style, border color. So border से related सारी चीजें अगर आपको एक ही declaration में set करनी है so आप क्या करोगे, border, then colons लगाओगे, सबसे पहले border width, style and color. So in this way you can set the border color as well or border style. I hope everything is clear to you. Thank you.